प्रयागराज के पुराना बैराना इलाके के मधवापुर में युवक की मौत के मामले में आज दूसरे दिन भी परिवारजनों ने चक्का जाम किया और न्याय की मांग की। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चक्का जाम कर रहे परिजनों का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। साथ ही एक परिवार को नौकरी दी जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, तभी चक्का जाम समाप्त होगा। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों से मोटी रकम लेकर बचाने में लगी हुई है। चक्का जाम का समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी अपना समर्थन किया और मांग की है कि पीड़ित परिवारजनों को न्याय मिले। अगर मामले में पुलिस लीपापोती करती है तो समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से अपना समर्थन देने का काम करेगी।